हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आया हूं, ये आपकी वीडियो है मीडियन के ऊपर बेस्ड। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे होता है। आप जानते हो ना, इवन सीरीज ऑड सीरीज अलग अलग होते हैं, 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले कि इवन कैसा है ऑड कैसा है, हमें कोई मतलब ही नहीं है इवन ऑड सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज में भी हम सिर्फ एक ही तरीका लगाएंगे जिससे हमारा आंसर निकल के आएगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे निकाला जाता है सिर्फ एक ही फॉर्मूले से इवन ऑड करे बिना। सो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए वीडियो। तो मीडियन हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के ऊपर आज क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले इंडिविजुअल सीरीज को ही लेके चलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था प्लस क्वेश्चंस करे थे, तो आज उसके ऊपर ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सो जो मीडियन का आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, एक्स गिवन आपके पास, सो एक्स दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3 और 8। तो मैंने आपको बताया था जैसे आप लोग अभी 9th या 10th क्लास से गया कोई भी छोटी क्लासेस में सीखते थे तो उस टाइम पे हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज़ करते थे। मतलब पहले ये चेक करते थे कि भाई सीरीज़ कौन सी है, ये इवन सीरीज़ है या ऑड सीरीज़ है। तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला बनाते थे, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला बनाते थे। वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है। बट अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि भाई ये छोटा सा दिमाग है, कितना हम बोझ डालें उस दिमाग के ऊपर। कोशिश करो एक ही फॉर्मूला पढ़ो, एक ही फॉर्मूले से हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये वाले जो फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल्स निकालने के लिए यूज करते हैं तो वो आपका सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो आप वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला मीडियन का जो काम होता है वो होता है अरेंजमेंट का। आपको अपनी सीरीज को भाई असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग अरेंज करनी है, छोटे से बड़े ले जाओ या बड़े से छोटे हुए ले आओ। तो वैसे तो देखो हमें देखने में लग रहा है यार तो ऑलरेडी अरेंज है, बट यहाँ पे 3 और 8 आ गया। अगर 3 और 8 नहीं होता तो भाई कोई दिक्कत नहीं आती, ऑलरेडी अरेंज होती, बट अब अरेंज करनी पड़ेगी। तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करके फिर से लिख रहे हैं 2, 3, 4, 6। अब 8 टू टाइम्स है तो आप दो बार लिखोगे, देन 10, 12, 14। मेरी सीरीज भाई अरेंज हो चुकी है। अरेंज करने के बाद आप निकालोगे मीडियन वैल्यू। क्या निकालोगे? मीडियन वैल्यू। मीडियन वैल्यू मीडियन नहीं है, इस चीज का दिमाग में रख लेना। मीडियन वैल्यू निकालोगे आप n+1/2 tth टर्म। ये आप साथ में ऐसे ही बोलना tth टर्म, ताकि याद रहेगा ये भाई टर्म निकल के आ रही है, मीडियन निकल के नहीं आ रहा। n हो गया नंबर ऑफ आइटम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 9+1/2 tth टर्म विच इज योर 5th आइटम। तो जस्ट चेक इट, ये 5th आइटम कौन सा। बहुत सारे बच्चे इसी को बोलते थे मीडियन 5। नो, मीडियन 5 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 5th पोजीशन पे है 8। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 8। आप चाहो तो मीडियन की जगह एम भी यूज कर सकते हो, इसका एब्रीविएशन यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, एक्स दे रखा आपके पास 18, 17, 16, 15, 13, 19, 20, 22, 24, 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई 10 आइटम है। फिर से अब सबसे पहला काम ये ध्यान रखना अरेंजमेंट का होता है, क्योंकि मीडियन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो अरेंजमेंट की होती है। भाई बिना अरेंज करे आप निकाल दोगे तो गलत ही आएगा, क्योंकि हम मीडियन है, सेंटर पोजीशन बता रहा है। तो देखो अरेंजमेंट का तो सेंटर वो 8 आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। सो जब अरेंज नहीं होगा तो आप सेंटर पोजीशन कैसे निकाल सकते हो? सेंटर निकालने के लिए आपको कम से कम अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। तो अब फिर हम इसको अरेंज करते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर हम लेके चलते हैं विच इज 13। 13 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, फिर 19, 20, 22, 24, 28। एक बार जरूर क्रॉस चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर ही आने चाहिए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। अरेंजमेंट हो गया है।
अरेंजमेंट के बाद लगाओ मीडियन वैल्यू विच इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू टी एथ टर्म। भाई एन कितना था? 10 प्लस 1 बाय 2 विच इज 11 बाय 2 विच इज 5.5 टीएथ टर्म। भाई अब ये आ गया पॉइंट्स में, तो डरने वाली बात नहीं है। बोलो पॉइंट्स को तोड़ दो, पॉइंट्स को ब्रेक करो, इस 5.5 को ब्रेक करो। 5.5 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो आप इसको? आप लिख सकते हो इस तरीके से 5 प्लस 0.5, है ना। 5.5 को अगर तोड़ा जाए तो तोड़ के क्या निकलेगा? 5 प्लस 0.5। अब ये जो 5.5 है किसके बीच में लाया करता है? 6 और 5 के बीच में, दैट इज 5 एंड 6 के, तो बड़े में से छोटा माइनस 6 माइनस 5। अब ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स नहीं है, ये पोजीशन बता रहे हैं। पोजीशन 5th 6th 5th, ढूंढो 5th पोजीशन पे कौन है, किस में से ढूंढोगे जो अरेंज करा था? 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे है 18 प्लस 0.5। सिक्स पोजीशन पे कौन है? 19 माइनस 18। सो ये हो गया 18 प्लस 0.5, और यहाँ पे आ गया 1। सो विच इज 18.5 इज योर परफेक्ट आंसर। मीन्स इस पूरी सीरीज को अगर मैं बीच से तोड़ने जाऊंगा तो 18.5 पे आके मेरी कहानी रुक जाएगी। दैट इज योर मीडियन। सो ये आपका हो गया था ऑड सीरीज का, ये हो गया आपका इवन सीरीज का। अभी एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स दे रखा है 2 7 10 3 1 8 2 7 15, 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेते हैं 17 10। ऑड वाला तो बहुत सिंपल है, हर भी कर लेता है, डायरेक्ट निकल जाता है। मेन आपको ये सीखना है, क्योंकि अगर आप क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल भी सीखोगे तो भी यही मेथड है। तो बेटा वहाँ पे सीखने से अच्छा यही सीख लो, एक ही बार फॉर्मूला सीखते हैं, हर जगह लगा लेंगे। इसका आंसर निकाल के देखो कितना आ रहा है। यानी मेरी जुबानी क्या है क्वेश्चन, ये पहले तो अरेंज करना है, तो अरेंज करने बैठते हैं। सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, वो भी 2 बार आएगा तो काटते जाओ। फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा, ये भी काट दो। 3 के बाद फिर उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है, वो भी 2 बार है तो 7 को भी आप 2 बार लिख दो। ओ सॉरी 10 कट गया, गलती से कट गया। चलो अगला वाला 8 आएगा, 8 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 15, 15 के बाद 17। चेक करेंगे एक बार सभी लोग साथ में, क्या नंबर बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है भाई, और सीक्वेंस में भी है। अब लगाओ फॉर्मूला, दैट इज मीडियन वैल्यू इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू टी एथ टर्म। एन कितना है भाई? नंबर ऑफ आइटम, मतलब हो गए 10 और 1 11 और 2 हो गए 5.5। यार ये फिर से 5.5 हो गया, ये तो तुमने छाप दिया होगा नीचे वाला देख कैसे। चलो अगला वाला कुछ और देंगे। 5.5 टर्म आ गया, तो 5.5 का मतलब क्या? तोड़ दो, मुंह मत तोड़ना, नंबर तोड़ो। तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस 0.5। अब ये किसके बीच में लाया कर रहा है? 6 माइनस 5, और ये नंबर्स नहीं है, ये क्या है? ये टी एथ टर्म्स हैं। फिफ्थ आइटम कौन सा है? 1 2 3 4 5, अरे 5, ये आ गया 7 प्लस 0.5 प्लस 7 माइनस 7, और ये हो जाता है 0। भाई जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, जीरो ही आता है, ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे नमूने देखे हैं मैंने, क्या करते हैं, यहाँ 5.5 या 5.0.5 लिखा होगा, मल्टीप्लाई जीरो तो 0.5 लिख देंगे। नहीं, तो इसका परफेक्ट आंसर जो आता है वो आता है 7, कि हमारी सीरीज को दो पार्ट्स में जो इक्वली डिवाइड कर रहा है वो हमारा नंबर है 7। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 5.5 नहीं दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा कुछ चेंज करके देते हैं। क्या करते हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 4th, एक्स लिख लेते हैं हम लोग 18 20 18 19 21 22, 1 2 3 4 5 6, बस बहुत है। 6 नंबर पे निकालो,
एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन शायद बहुत बतेरे क्वेश्चन हैं इंडिविजुअल के लिए, इससे ज़्यादा जरूरत लगती है तो बता देना मेरे को। मेरे हिसाब से शायद 5 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, और स्पेशली कौन से इवन वाली कर रहे हैं, क्योंकि ऑड वाला तो बहुत ही हलवा है, आराम से बना के खा लो। इसका लिख लेते हैं, इसको थोड़ी बड़ी फिगर्स ले जाते हैं। 82, 91, 108, 128, 142, 139, 71, 104, 80, 105, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक नंबर और लिख लेते हैं, 210। सो भाई दो क्वेश्चन तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से आंसर निकालो, देखो इसका आंसर कितनी जल्दी निकल के आ सकता है, मेरा या तुम्हारा। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। सो अरेंजमेंट करने के मतलब क्या हो गया, पहले आ गया 18, फिर से आ गया 18, फिर से आ गया 19, फिर इसके बाद आ गया 20, फिर आ गया 21, फिर आ गया 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, भाई 6 नंबर है पूरे के पूरे। 6 नंबर लाने के बाद हम लगाएंगे मीडियन वैल्यू का फॉर्मूला, दैट इज एन प्लस 1 बाय 2 टीएथ टर्म। तो 6 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 7 बाय 2, 7 बाय 2 का मतलब होता है 3.5 टीएथ टर्म। अब तोड़ो, किसको तोड़ोगे, 3.5 को तोड़ो, तो 3.5 कैसे टूटेगा, 3 प्लस 0.5। अब ये 3.5 लाए किधर कर रहा होगा, 3 और 4 के बीच में, लेकिन होता बड़े में से छोटा ही माइनस है, छोटे में से बड़ा माइनस थोड़ी करोगे। तो ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये टीएथ आइटम्स हैं। सो थर्ड आइटम, सॉरी टीएथ मंदिर थर्ड हो गए, ये फोर्थ हो गए, थर्ड ही होगा, आरडी लिखे, आरडी, आरडी शर्मा। सो थर्ड आइटम कौन सा भाई, 1, 2, 3, 19 प्लस 0.5, ब्रैकेट ओपन करोगे भाई, फोर्थ आइटम कौन सा हो गया, 20 माइनस 19, सो 20 माइनस 19 ये हो गया 1, तो आंसर आ गया 19.5। ठीक है, तुम लोगों से पहले निकाल दिया मैंने, मानो चाहे ना मानो, तुम लोग कहोगे तुमने पहले निकाला, लेकिन निकाला पहले मैंने। अब निकालेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, सोल्ड नहीं है, सॉल्यूशन है। अरेंजमेंट में भाई कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले हमारे पास नंबर है 71, मैं यहां पे अरेंज करता हूं ज्यादा सही है, 71 के बाद फिर हमारे पास नंबर आता है 80 का, 80 के बाद नंबर हमारे पास आता है 82 का, 82 के बाद नंबर हमारे इसके बाद आएगा 91, 91 के बाद हमारे पास नंबर आता है 102 का, 2 के बाद हमारे पास नंबर आएगा 104 का। मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना बहुत कंजेस्टेड, मतलब आसपास वाले नंबर है, कोई अगर नंबर छूट गया तो कैसे याद रहेगा कि ये छोड़ दिया, तो क्रॉस कर लो, सर्कल बना लो, कुछ इस तरीके से कर लो कि पता रहे मार्किंग से कि आपका नंबर छूटना कोई नहीं चाहिए। तो 104 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 104 के बाद एक सवाल पास आता है 105 के बाद कौन सा नंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है 108, वो भी दो बार। सो 108, बहुत सही, बहुत ही उमदा प्रदर्शन चलता हुआ। 108 के बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 1010, बहुत सारे दे दिए यार, है ना। 110 के बाद फिनिक्स आता है, ये तो सीक्वेंस 128, 139, तो 128 भी हो गया, 139 भी हो गया, फिर 142 एंड 210। ओ भाई हो गया, नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 नंबर है भाई, क्या यहाँ पे भी 14 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अरेंजमेंट डन।
लगाओ फॉर्मूला, मीडियन वैल्यू इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू टी एथ टर्म, 14 प्लस 1 बाय 2 विच इज 15 बाय 2 विच इज 7.5, साढ़े सात। तो 7.5 को तोड़ो, फोड़ो। कैसे तोड़ोगे? 7 प्लस 0.5 ब्रैकेट ओपन। अब साढ़े सात किसके बीच का नंबर है? 7 और 8 के बीच का, तो 8 माइनस 7, ये टीएथ टर्म हो गए सबके सब। ढूंढो भाई सेवेंथ आइटम कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7, 105 प्लस 0.5। एट्थ आइटम कौन सा है? 108 माइनस 105, सो ये हो गया 105 प्लस 0.5, ये हो गया आपका 3। 105 प्लस 106.5 इज योर परफेक्ट आंसर विच इज कैलकुलेटेड बाय मिस्टर शिवम साहनी। आप लोग देख सकते हो, आप लोग को भी आंसर अगर गलत आ रहा है तो फटाफट से सही कर लेना, वरना समझदार तुम लोग वही सबका आंसर सही आ गया होगा आई होप, राइट। सो पांच क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर मीडियन इंडिविजुअल सीरीज। क्या इसके बाद कोई क्वेश्चन कराने हैं इसके ऊपर, या हम दूसरी सीरीज स्टार्ट कर दें डिस्क्रीट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स, अपना प्यार अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते रहिए एंड लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। Tonight, my heart.